नाउ जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया को हम लोग काफी अलग अलग नाम से रेफर करते हैं, जैसे भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप और आर्यवर्त। हमारा ये कंट्री ना बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री आते हैं, बट 7th लार्जेस्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा संख्या है दैट वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नाउ इंडिया को अगर हम लोग देखने जाए ना, तो इंडिया ये कंट्री में बहुत ज्यादा वेराइटी है। वेराइटी इन वॉट सेंस? वेराइटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? फिजियोग्राफी रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। आपने लास्ट ईयर Grade 9 में पढ़ा था दैट हमारे कंट्रीज में ना अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स है। इन द नॉर्थ वी हैव द हिमालयाज विच आर द माउंटेन रेंजेस, देन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव डेजर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, रिलीजन, कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड इवन द हेरिटेज दैट वी हैव, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा रिच है इन डाइवर्सिटी। इन डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया एक यूनिक पोजिशन ग्लोबल लेवल पे पाती है, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इट्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो पोजिशन है इन द ग्लोब इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इज वेरी यूनिक। इन द नॉर्थ ऑफ आर कंट्री वी हैव द माइटी हिमालयस, एंड बींग अ पेनिनसुलर नेशन वी आर सराउंडेड बाय वॉटर ऑन 3 साइड्स, जहां पे साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी। अब ये सारी बातें ना कहीं आपने लास्ट ईयर Grade 9 में डेफिनेटली पढ़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर। अब इंडियन कल्चर इतना ज्यादा एंशियंट है और पूरे दुनिया में इंडिया के कल्चर के बारे में लोग बातें करते हैं, इंडिया को सहारते हैं, सेइंग दैट दिस कंट्री हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ये इतना ज्यादा फेमस है दैट इसका रेफरेंस हमें विष्णु पुराण में भी दिया गया है। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो भारत के लिए एक संस्कृत श्लोक के भी 2 लाइन्स आपको दिए गए हैं। नाउ बिकॉज मेरा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं है, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, बट बिकॉज विष्णु पुराण का मेंशन करना इस क्लास के लिए जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको ये मेंशन किया। बट प्लीज डोंट फोगेट टू रीड दैट श्लोक इफ यू नो संस्कृत प्रॉपरली, एंड उस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि आपको हमारे कंट्री की सबसे एंशियंट लैंग्वेज आती है, राइट? मूविंग अहेड, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से इंडिया को ना सोने की चिड़िया बुलाया जाता था। अब इंडिया को सोने की चिड़िया बुलाने के पीछे का रीजन ये था दैट हमारा कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में बहुत ज्यादा रिच था। नाउ व्हेन आई से नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मीनिंग वी वर एंडाउड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, वी वर एंडाउड विद अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा रिच एंड प्रॉस्परस थी, बट हमारे पास इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। हम लोग ज्यादातर ना हमारे पास से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकलते थे उसका ट्रेड बाहर के कंट्रीज में करते थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन, इंडिगो, ओपियम, सिल्क एंड टी। काफी ज्यादा नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, जहां पे इस तरीके के रिसोर्सेज ग्रो नहीं होते, वो इंडिया आके हमारे पास से इन सारी चीजों का ट्रेड किया करते थे। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्रेड गाइस, ट्रेड ना एक ह्यूमन इंटरेक्शन से होता है। जब दो लोग बातचीत करते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं, जब आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन के प्रोसेस में आते हो ना, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं, आप उनके पास इंटरेक्शन करने की वजह से कुछ चीजें उनसे सीख के हमारी कंट्री में लेके आते हो, वो लोग हमसे कुछ चीजें सीख के उनके कंट्री में लेके जाते हैं, और ये म्यूचुअल एक्सचेंज के वजह से ना एक शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस दैट वी सी इवन इन इंडिया टुडे। अगर आज मैं गोवा या पौंडीचेरी जैसे शहरों की बात कर लूं, यू कैन डेफिनेटली सी दैट द पोर्तुगीज एंड फ्रेंच कल्चर इज वेरी एविडेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ओवर देयर। इवन द पारसी कम्युनिटी इफ यू सी टुडे हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शेयर्ड कल्चर। ये सारी चीजें इंडिया को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्रॉस जनरेशंस इंडिया के कल्चर ने बहुत ज्यादा चेंजेस इन्फ्लुएंस किए हैं। नाउ कल्चर के बारे में हम लोगों ने इतनी चर्चा तो कर ली, बट हमारा ये जानना जरूरी है कि भाई कल्चर है तो है क्या। अब कल्चर का सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, जिसका डेफिनेशन है, कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, आइडियल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन लीडिंग ह्यूमंस टू लीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। अब ये जो है ना, ये कुछ खास समझ नहीं आया, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन फॉर अस, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके अपने स्टाइल में समझते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो कल्चर इज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका।
अब जो इंसान एक जिंदगी जीता है ना, वो दो पहलू से जीता है। एक वो जिंदगी अपनी फैमिली के साथ, अपने इंडिविजुअल लाइफ के तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। आज मैं जिस तरीके से जीता हूँ वो डिपेंड करता है कि भाई मेरे हैबिट्स क्या है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या वैल्यूज दिए हैं, और मैं कौन से वैल्यूज में बिलीव रखता हूँ, मेरे आइडियल्स क्या है, मेरी सोच क्या है। मेरे हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स की वजह से मेरा एज एन इंडिविजुअल वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन होता है, राइट। बट आज हम लोग ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं, बट वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल। इंसान एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब एक इंसान लोगों के साथ जी रहा है, एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी जीता है, तो उसको उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ ले डाउन करते हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कल्चर, इट इज टॉकिंग अबाउट दीज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो हमारे वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल इट इज द हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स जो मेरे को और मेरे फैमिली के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। वेयरएज जब मैं मेरे कम्युनिटी के साथ, मेरे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, सो वहां पे मेरे कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करूंगा। इंडिया का जो कल्चर है ना, इट इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स। कौन से दो चीजें? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पीस एंड हार्मनी। अब यहां पे ना आपको याद रखने के लिए मैंने खास तौर पे दो एग्जांपल्स देके रखे हैं। ये गुजरात के लिए तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपने गुजराती के बाद, अगर आपने किसी भी गुजराती के साथ इंटरेक्ट किया होगा, सो यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट गुजरात में धंधा करना इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ ऑक्यूपेशन। सो ट्रेड एंड कॉमर्स गुजरातियों के खून में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गांधी बापू जो हमारे फादर ऑफ द नेशन भी है, वो भी गुजरात की मिट्टी में पीस एंड हार्मनी जैसी अच्छी वैल्यूज छोड़ के गए हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, वाइल वी आर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट ऑपरेट विद एथिक्स एंड वी विल नॉट ऑपरेट विद ऑनेस्टी। गांधी बापू ने हमें पीस एंड हार्मनी के साथ बिजनेस करना सिखाया है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ट्रेड एज वेल एज पीस बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर कल्चर। नाउ देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट ज्वेल्स ऑफ इंडियन हेरिटेज जिसको मैं सत, चित एंड आनंद के नाम से जानता हूँ। ये सत, चित एंड आनंद अगेन आर संस्कृत वर्ड्स विच मीन समथिंग। सत का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस और ट्रूथ, सत्य की चाह करना। Second is chit, which is consciousness, being self-aware, being aware about what is happening and having a deeper sense of awareness about the way of living a life. And the third thing is anand, which is blissfulness or happiness, khushi, life ki khushi. Hamara jo culture hai, wo hume sat, chit and anand ke values sikhata hai. And isi cheez ko paane ke liye, isi cheez ko samajhne ke liye, बहुत ज्यादा लोग इंडियन कल्चर, हिंदुइज्म को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आर कल्चर इज सो रिच। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, आई एम रेफरिंग टू दीज थ्री वर्ड्स एज ज्वेल्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज, राइट। आप भी जब आंसर लिखो तो आप ऐसी चीजें लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। व्हेन वी मूव अ लिटिल फर्दर, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ कि आप ये समझ लो कि भाई कल्चर एंड हेरिटेज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुक में ना ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए गए, बट इन दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली होता है। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो कल्चर में लिखा है आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, जबकि हेरिटेज में लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विच आर इनहेरिटेड टू द प्रेजेंट एंड विच विल बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। अब कहने का मीनिंग क्या है, भारी भरकम वर्ड्स को अगर थोड़ा साइड में रखें तो हेरिटेज वो चीज है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जो हमें किसी के पास से मिला है, किसी के पास से मिला हुआ चीज जिसको आज हम अपनाना चाहते हैं और आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं, वो हमारे हेरिटेज का पार्ट होता है। कल्चर एक रियलिटी है जो अभी एग्जिस्ट करती है। हेरिटेज वो चीज है जो पहले एग्जिस्ट करती थी बट जो हम चाहते हैं कि आगे भी एग्जिस्ट करे, राइट। कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आज कोई चीज ट्रेंडिंग है, आज कोई चीज फैशन में है, आज आपका जीने का तरीका कुछ और है। बट अगर कोई कोई चेंज आ जाता है, जैसे अभी कोरोना का चेंज आ गया, तो आपने अपने जीने का तरीका थोड़ा बदल दिया, आप सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे, आपके कल्चर में वो भेदभाव आया, वो चेंजेस आए। बट अगर वो हेरिटेज की बात करते हो, हेरिटेज तो कुछ खास चेंज होता नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ वही चीजें चूज की जो हम चाहते हैं कि आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो।
तो वो हमारे लिए एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है, हमारे वे ऑफ लिविंग में है। कल्चर जो होता है वो लोगों के थ्रू बनाया जाता है, इट इज क्रिएटेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ, नो वी डिस्कस अबाउट दैट इन द प्रीवियस स्लाइड्स। जबकि हेरिटेज है इनहेरिटेंस ऑफ कल्चर टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। पुराने लोगों का जीने का तरीका जो आज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी कही गई बातें अगर आज हम अपना रहे हैं, तो वो वही बातें होंगी जो उधर की अच्छी होंगी, जो हम चाहते हैं कि हम इन्वाइट करें, जो हम चाहते हैं कि हम एक्सेप्ट करें, और यही चीज हम आगे आने वाले जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो दोज थिंग्स विच वर गुड जो हम लोगों ने इनहेरिट किया है, हमने प्रिजर्व किया है, और जो आगे हम लोग किसी और को देने वाले हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन को, उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। बट जो चीज हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं, उसको हम लोग कल्चर बोलेंगे। तो अगर हम टाइम की बात करें ना, तो कल्चर इज इन द प्रेजेंट, हेरिटेज इज समथिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द पास्ट एंड विच वी आर गोइंग टू सेंड टू द फ्यूचर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही चीज बोला है, कल्चर इज क्रिएटेड ऑन द प्रेजेंट आइडेंटिटीज, जबकि हेरिटेज प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू द इवोल्यूशन ऑफ वन कल्चर बेरिंग एविडेंस टू द रूट्स ऑफ अ कल्चर एंड मैनकाइंड ऑन द होल। तो हम लोग, हमारे रूट्स, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, हमारे फोर फादर्स के टाइम से जो चीजें चली आ रही है, उनमें से जो चीजें हमें लगती है कि हमारे अपब्रिंगिंग, हमारे वे ऑफ लाइफ को निहारती हैं, अच्छा करती हैं, उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मूविंग अहेड, जब हम लोग इंडिया के हेरिटेज के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया का हेरिटेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि वो नेचुरल है, तो इट क्लियरली मीन्स दैट वो नेचर द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, वो एग्जिस्ट करता है इन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट। बट जब हम कल्चर की बात करते हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, एंड वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है कि लोग उसको कैसे जीते हैं, एंड दैट इज वाई कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। आई होप ये पॉइंट डिफरेंस समझ में आ रहा है। आगे हम लोग नेचुरल हेरिटेज के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब हम जब नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस हो रहा है। को एग्जिस्टेंस किसका? एनवायरमेंट या नेचर का और ह्यूमन लाइफ का। इंसान और नेचर ना एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी की रिलेशनशिप से जीते हैं। नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ह्यूमन ज्यादातर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ नेचर मानते हैं, और हमारी जो जरूरतें होती हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हम हमेशा एनवायरमेंट के अंदर से कुछ ना कुछ चीज प्रोक्योर करते रहते हैं। एनवायरमेंट के पास से हम वो जो चीजें प्रोक्योर करेंगे, उसके बेसिस पे हम अपनी नीड सेटिस्फाई करेंगे, अपना जीने का तरीका समझेंगे। और इन्हीं सारे, इसी क्लोज एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में हमने रेफरेंस देखा है इन द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातका टेल्स। सो इंसान और नेचर का ये जो को रिलेशन है, को एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में काफी लिटरेरी रेफरेंस हमें पुराने जमाने में भी दिया गया है, जो बहुत फेमस स्टोरीज है, जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, राइट? Now, even if we look at the impact of natural environment in the way in which we live, तो काफी ज्यादा art forms है, जैसे कि classical and folk music, जिसके काफी रागास determine किए गए हैं या फिर inspire किए गए हैं from the period of day, जिसको हम प्रहार भी बोलते हैं। So, काफी ज्यादा nature के elements ने हम पे बहुत impact किया है, हमें बहुत inspire किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर के अंदर काफी ज्यादा हर्ब्स एंड नेचुरल मेडिसिन्स के वजह से आयुर्वेद, नेचर कोर और उरानी जैसे प्रिवेंटिव नेचुरल मेडिसिन्स भी क्रिएट हुए। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर आर कंट्री। ये चीज हमारे लिए, हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इफ वी लुक एट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज, तो हम लोग इसको चार पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, वो है लैंडस्केप के बारे में। अब लैंडस्केप आना बहुत सिमिलर टू फिजियोग्राफी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इंडिया में ना देयर इज अ वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफी। नाउ व्हेन आई से दैट देयर इज अ वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, हम यहाँ पे ज्यादातर बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडस्केप, दैट इज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। अब हिमालयन माउंटेन रेंज ना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि सबसे पहले ना, हिमालयस के वजह से काफी ज्यादा वेजिटेशन एंड मिनरल रिसोर्स हमारी कंट्री को मिलता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। एंड बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स आर स्नो कैप, परमानेंटली स्नो कैप्ड रहते हैं, इस वजह से देर आर सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। अब पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो 12 महीने जिनमें पानी होता है,
वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हिमालय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पिलग्रिमेज भी है जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। पिलग्रिमेज मतलब क्या, जहाँ पे आप रिलीजियस इंपॉर्टेंस से जाते हो, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। सो इस पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने लैंडस्केप के बारे में डिस्कस किया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फीचर विच इज रिवर्स। अब रिवर्स को ना हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है ना, उसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इंसान जब डेवलप हुआ था, उसका सबसे पहला प्राइमरी मोटिव ये था कि उसको जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए उसको कुछ खाना पड़ेगा, और अगर कुछ चीज़ खानी है तो उसके लिए उसको वो उगानी पड़ेगी। तो बाई डिफॉल्ट सबसे पहला ऑक्यूपेशन जो इंसान ने अपनाया था ना, वो एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल एंड पानी, ये दो चीज़ें मैंडेटरी है। अब जहाँ जहाँ पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती है, वो अपने साथ साथ सॉइल भी डिपॉजिट करती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से जो एल्यूवियल सॉइल बनेगी, वो एक फर्टाइल सॉइल बनेगी, और पानी विल बिकम अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम लोगों ने देखा है कि इंडस और रावी जो दो नदियां हैं, इनके अराउंड काफ़ी ज़्यादा एंशियंट सिविलाइजेशन हमेशा प्रॉस्परस हुए हैं। And that is why that becomes the foundation point जहां से human civilization का upgrowth and bringing शुरू हुआ, ठीक है? I hope this point is clear to all of you. उसके अलावा भी गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काफी ज्यादा और नदियां हैं जिन्होंने हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। अब इन्फ्लुएंस किया तो कैसे किया, अपने contributions के थ्रू। अब कौन से contributions होते हैं रिवर के जिसके वजह से उन्होंने हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, देखते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आज इंसान बिना पानी के जी नहीं सकता। इट इज़ एन एलिक्सर ऑफ लाइफ, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ, एंड दैट इज वाई रिवर आर सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर तो सर्वाइवल की बात हो गई, उसके अलावा हमें घर के नॉर्मल कामकाज करने के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी पानी का जरूरत पड़ता है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार जब हमारे इंडिविजुअल पर्सनल यूज का काम खत्म हो गया तो हमें हमारे काम के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्रीकल्चर हमारा कंट्री का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर बिना पानी के हो नहीं सकता, और इरिगेशन के लिए रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं, दैट इज अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब काफी ज्यादा नदियों के वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं जहां से हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, एंड दैट इज वाई रिवर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड द लास्ट वे, ट्रेडिशनली भी हम लोग रिवर्स को एज वाटरवेज यूज किया करते थे, विच बिकम्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रिवर्स में हम लोगों को कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ने जब जो है ये वाले, विच सेज मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रिवर वाटर। इसका मीनिंग क्या है कि रिवर वाटर के वजह से ये इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती है, उससे सोर्स उसको रॉ मटेरियल मिलता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे फर्स्ट है क्ले यूटेंसिल्स। अब क्ले यूटेंसिल्स बनेंगे क्ले या मिट्टी से, जो मिट्टी आएगी बिकॉज ऑफ द रिवर्स। रिवर्स अपने साथ एलुवियल डिपॉजिशन करेगी, और वो जो क्ले मिट्टी होती है उसके वजह से क्ले यूटेंसिल्स बना पाएंगे। उसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग ऑफ हाउसेस की जो बात करते हैं, वो आता है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में भी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के जमाने में हम सीमेंट और मॉर्टर से घर बनाते हैं, बट पहले के जमाने में मिट्टी से घर बना करते थे, और मिट्टी आएगी कहाँ से, रिवर्स के थ्रू। इस वजह से रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस ऑफ रिवर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवर्स की एक एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। एस्थेटिक वैल्यू का मीनिंग है सेटिस्फैक्शन वैल्यू। जब आप एक नदी किनारे बैठते हो सनराइज या सनसेट के टाइम पे, तो आपको बहुत मन की शांति एक्सपीरियंस होती है। काफी ज्यादा आर्टिस्ट इस पर्टिकुलर व्यू को देख के बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर सीनिक ब्यूटी ऑफ नेचर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिवर्स, राइट। तो अभी हम लोगों ने दो पॉइंट कवर कर लिए, फर्स्ट वॉज लैंडस्केप, सेकेंड वॉज रिवर्स। थर्ड चीज पे हम लोग आते हैं जो है वेजिटेशन। अब वेजिटेशन की जब हम लोग बात करें ना, वी आर रेफरिंग अबाउट नॉर्मल वेजिटेशन एंड नॉट क्रॉप्स। ये वेजिटेशन वो है जिसको हम लोग फॉरेस्ट की तरह जानते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब इंसान जो है ना, लोग उनको हमेशा से फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स, वेजिटेशन से बहुत ज्यादा प्यार था। ये हम हमारे जीने के तरीके में भी देख सकते हैं। चाहे आज आप मंदिर में जा रहे हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों ना हो,
या फिर अगर किसी कोई मर गया हो तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम लोग नॉर्मली फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। इस वजह से ये जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ क्लोजली वी आर कनेक्टेड विथ वेजिटेशन, वी आर क्लोजली कनेक्टेड विथ फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी हैव लोटस, रोज, मोगरा, सनफ्लावर विच हैव नाउ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑब्जर्वेशन इन आर वे ऑफ लाइफ। हमें इन फ्लावर्स के बिना हमारे काफी ज्यादा सोशल चीजें नहीं चल सकती, सोशल एक्शन इनकम्प्लीट रह जाते हैं, राइट। उसके अलावा वेजिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, चाहे वो इंसान है, एनिमल्स है या बर्ड्स है। हमें सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ सर्वाइवल वेजिटेशन की वजह से ही मिलता है। हमारे इंडियन कल्चर में बनियन ट्री और पीपल ट्री को ना बहुत ज्यादा वर्शिप भी किया जाता है, बिकॉज उसमें उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मानी जाती है। जैसे वट सावित्री, ये एक लोकल फेस्टिवल है जो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताना कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में होता क्या है, कॉमेंट करके बताओ। द नेक्स्ट पॉइंट, एज वी हैड अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड, दैट इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन में ना काफी ज्यादा हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे कि हरडे, आंवला, एलोवेरा, नीम। ये सारी चीजें ना हमें हमारी लाइफ को एनरिच करने में हेल्प करती है। अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने में हमको हेल्प करती है। नाउ आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड वेजिटेशन, वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज वाइल्ड लाइफ। जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ की वेराइटी बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर आपको खास एक चैप्टर भी है जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो प्लीज जाके चेक कीजिए, राइट। अब अगर मैं इंडिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करूं, सो पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पीशीज हैं ऑफ एनिमल्स, बट हमारे कंट्री के अंदर उस 15 लाख में से 81251 स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोज। अब ये सारे जो एनिमल्स है ना, ये अपने तरीके से बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि कुछ कुछ स्पीशीज तो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूं, तो एशियाटिक लायन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडियन रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर खासतौर पर अगर मैं बात करूं, तो काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को वेहिकल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस भी माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आपको दुर्गा माँ और अम्बे माँ का फोटो यहाँ पे नीचे रख दिया है। इट क्लियरली शोज दैट दे आर यूजिंग वाइल्ड एनिमल्स एज देयर ओन सारथीज। उनको सारथी बोला जाता है नॉर्मल हिंदी भाषा में, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। अब ये वाइल्ड लाइफ जो है ना हमारी, उसको प्रिजर्व करना, उसकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमने काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेचुरल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किए, ताकि हम लोग इस वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके, क्योंकि ये हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। इसको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारी रिचनेस है, ये हमारा यू मे से गिफ्ट है जो हमें मिला है फ्रॉम मदर नेचर, जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट हम बायोडाइवर्सिटी बैलेंस इन इकोसिस्टम मेंटेन करके रख सके। उसके अलावा भी ये पॉइंट थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट आपके टेक्स्ट बुक में अभी भी है, तो ये कवर करना बनता है कि हमारी करेंसी नोट्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, तो फोर लायंस का अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे हॉर्स एंड बुल भी एग्जिस्ट करता है। अगर नीचे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 10 रुपए के करेंसी नोट के ऊपर, तो आपको एलिफेंट एंड टाइगर के भी फोटोज दिखेंगे। सो इन सच अ वे वी आर ट्राइंग टू कोमेमोरेट एंड सेलिब्रेट द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन आर कंट्री टू मल्टीपल वेज दैट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। आई होप इसके साथ आपको जितने भी हमने नेचुरल हेरिटेज के बारे में पॉइंट्स, चार ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस किए, वो समझ। इंडिया का जो हेरिटेज है, इसको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द अदर पार्ट इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हमने लास्ट जो वीडियो हमारी थी, वो हम लोगों ने नेचुरल हेरिटेज पे कंप्लीट की थी। सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो सो फार, प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और द प्लेलिस्ट इन माई चैनल, वेर यू विल बी एबल टू फाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो रिवॉल्व होने वाला है अराउंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब अगर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज में थोड़ा बहुत अगर मैं डिफरेंस आपको वापस रिकैप करवाऊं, तो नेचुरल हेरिटेज जो होता है वो नेचर द्वारा दिया गया हेरिटेज है। इस उसमें किसी भी तरीके से ह्यूमन का कुछ भी रोल या काम होता ही नहीं है।
बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा हेरिटेज है, ये जो हमारा वेल्थ है जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये प्योरली मैन मेड होता है. दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ द वे इन विच ह्यूमंस हैव लिव्ड देयर लाइफ, और इन्हीं चीजों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं एज आर नेशनल वेल्थ. अब जब हम लोग इंडिया में कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, तो इंडिया में बहुत ही एक डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज है. एंड ये डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज हमें हमारे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के थ्रू भी देखने मिलता है, विच इज एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स ओल्ड. जब हम किसी भी तरीके की कल्चर की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट अ वे ऑफ लाइफ. और हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वो टाइम का एक टेस्टमेंट है जिसने बताया है दैट हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था और वहां के जो रिमेन्स हमें मिले, उसके थ्रू हम लोगों को ये पता चला दैट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. उस समय जब हमारे पास इतनी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रेडिशनल टूल्स थे, बेसिक चीजें थी, बट फिर भी हम लोगों ने एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लिविंग अपनाया था, एक बहुत अच्छा तरीका ऑफ टाउन प्लानिंग अपनाया था, जिसको आज भी काफी ज्यादा लोग स्टडी करने आते हैं एज अ प्योर मॉडल ऑफ अ परफेक्ट डिजाइन ऑफ अ टाउन. एंड ये चीज हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है कि हम लोग इस हेरिटेज को अपने आगे वाली जनरेशन को दिखाने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. वी शुड बी प्राउड दैट वी बिलोंग टू द लीनिएज विच सेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन. अब जब हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक सिविलाइजेशन के साथ साथ उसके कुछ ना कुछ कोर एलिमेंट्स भी जुड़े हुए रहते हैं. तो जब हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ढूंढना चालू किया, जब हिस्टोरियंस ने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा उन चीजों को स्टडी किया, तो उसमें काफी ज्यादा रिमेन्स निकले. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिमेन्स? यहाँ पे काफी ज्यादा रेमिनेंट्स थे विच आर अ सिंबल, विच आर अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट टाइम. तो उसी तरीके से हमारे पास दो पर्टिकुलर स्कल्पचर्स थे, स्पेसिफिकली ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड द बियर्डेड मैन, जिनके फोटोज अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे. बोथ ऑफ दीज कल्चर आर इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट हमारे टाइम पे, इवन इन दैट एंशियंट टाइम, हमारा आर्ट एंड स्कल्पचर की तरफ जो लगाव है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था. एंड द डिटेल इन विथ विच द पर्टिकुलर स्कल्पचर्स हैव बीन इंस्क्रिप्टेड ऑल्सो आर अ प्रूफ ऑफ द अमेजिंग क्राफ्टमैनशिप जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता था. Even apart from that, we see that there were many other remains of god, goddesses, humans, animals and toys, jo kahin na kahin are made out of terracotta clay. So it goes on to show you ki how clay and pottery and sculpture was a deep-rooted part of our heritage, of our culture. पुराने जमाने में भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी कहीं ना कहीं आर्ट, लिटरेचर एंड स्कल्पचर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें देखना है दैट इंडिया जो ये हमारा धरती है ना, इट इज अ वेरी रिच लैंड ऑफ रिलीजियस रेलेवेंस. हमारे कंट्री के अंदर धर्म को हम लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं. अब इसके वजह से जब भी हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं. सेम तरीके से आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म रिलीजन के कालखंड स्टैचूज जो आप देखोगे, तो उसके ऊपर जो कलाकारी की गई है, दैट इज अ ग्रेट टेस्टमेंट अबाउट द फैक्ट दैट हमारा कितना ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस था. राइट, अगर ये चीज आज भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा. नॉट जस्ट जैनिज्म, बट इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द बुद्धिज्म रिलीजन, जब गौतम बुद्ध का जो एक स्टैचू है या फिर जो स्कल्पचर है इन अ मेडिटेटिव स्टेट, दैट ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस एंड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एज फार एज इंडियाज रिच रिलीजियस रेलेवेंस इज कंसर्न. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है. नाउ इंडिया has always been known as a land of cultural confluence. Now, what do I mean by cultural confluence? Confluence ka meaning hota hai ikhatta hona. Ab India hai jo zameen hai na, yahan pe trade karne ke liye kafi zyada log aaye. Kuch logon ne to hamare upar bahut saalon tak rule bhi kiya. Ab dekhoge ki India ke culture ke andar Arabs, Kushan, Persian, Mughals, Britishers and even French and Portuguese people ka kahin na kahin bahut impact raha hai. एंड जब भी हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ एक ट्रेड के रिलेशन में आते हैं या फिर एक इकोनॉमिक एक्सचेंज के रिलेशन में आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग काफी ज्यादा चीजें शेयर करते हैं. हम लोग हमारी वे ऑफ लिविंग शेयर करते हैं, हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेजेस, एक दूसरे के रिलीजन से इंस्पायर होते हैं. आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश लाइफस्टाइल ने हमें टी, ये जो बेवरेज है, वो पीना सिखाया.
कहीं ना कहीं मुगल्स के वजह से हमारे आर्किटेक्चर में हम लोग काफी ज्यादा चीजें अभी भी ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी हम लोग एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो अलग अलग लोग हमारे धरती पे आए थे, इंडिया पे आए थे, उन लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ के वो गए हैं, एंड वो छाप भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ तो डेफिनेटली है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आर लाइफ स्टाइल टूडे हैज बीन क्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कल्चरल कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। मूविंग अहेड, जब यहाँ पे इतने अलग अलग टाइप के लोग आए थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग इंडिया में आए थे, सो उनके रहने के तरीकों में हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी। जैसे आज इंडिया में अगर आप पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग, उनके आर्किटेक्चर में भी जो अलग अलग कल्चर के जो लोग यहाँ पे आके गए उनका कुछ ना कुछ एक रेलेवेंस दिखेगा, वो अपनी एक छाप इंडिया पे छोड़ के गए, राइट। उसके अलावा स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टूम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, ये भी कहीं ना कहीं अपने अंदर काफी ज्यादा सिंबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब, ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर छोड़ के जाते हैं, एंड दैट इज अनदर पॉइंट व्हाई इंडिया शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड दैट हमारे पास ये डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग टाइप के कल्चर्स का एक मिक्सचर आज हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द रिचनेस दैट वी आर गोइंग टू बी कैरिंग फॉरवर्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। आज का जो आपका वीडियो है इसमें अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स कम और आपको मेमोराइज करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, राइट। सो आपको लगेगा कि ये चीज में समझने जैसा क्या है, आई कंप्लीटली अग्री, इन सब चीजों में समझने जैसा खास कुछ है नहीं, बट फिर भी मैंने आपका जो पूरा एक पेज है उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू डिफरेंट स्लाइड्स, जहां पे कुछ आप मीनिंग निकाल सको। सो आई वुड वांट यू टू कम बैक टू दिस वीडियो टाइम एंड अगेन, जब जब आप ये चैप्टर रिवाइज करो, ताकि आप भी इसको उस डिविजन के हिसाब से ही पढ़ना शुरू करो। सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू टेक डाउन नोट्स इन योर नोटबुक, अपने टेक्स्ट बुक को साइड में रखो, ये चीजें देखो और आप देखो कि मैंने किस तरीके से चीजों को डिवाइड किया है, कौन से पॉइंट्स को किस ग्रुप में डाला है। तो जब आप भी अपने खुद के हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स को उस पैटर्न में बनाओगे तो आपको भी बहुत चीजें आसान लगने लगेगी, यू विल स्टार्ट टू फाइंड अ रीजनेबल वे ऑफ लिंकिंग ऑल द पॉइंट्स टुगेदर। अब हम आते हैं हमारे अगले स्लाइड पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में ना काफी ज्यादा प्रेशियस प्लेसेस हैं जो कुछ आइकॉनिक इवेंट से जुड़ी हुई है। जैसे अगर हम लोग बात करें, गांधी बापू का एक बहुत अहम हिस्सा था हमारे कंट्री के हिस्ट्री के अंदर, जहां पे हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट उनके अराउंड और उनके दिए गए काफी एक्शन से इंस्पायर्ड रहा। अगर हम बात करें अबाउट गांधी बापू एंड अ सर्टन सेट ऑफ इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, सो द साबरमती आश्रम, द दांडी ब्रिज, द बारदोली आश्रम एंड वर्धा आर ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे कंट्री को फ्री करने में। साबरमती आश्रम गांधी बापू का घर था, डांडी ब्रिज वो एक ऐसा आइकॉनिक जगह है जहां पे गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी और सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। बारदोली आश्रम इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह लॉन्च किया था, सत्याग्रह मूवमेंट, एंड वर्धा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पहला संगठन हुआ था। उसके अलावा गांधी बापू की तरह ही रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हमारे कंट्री के हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिनका शांति निकेतन इज अ वेरी फेमस प्लेस विच इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आर रिच कल्चर एंड हेरिटेज। इफ वी मूव अहेड, वी लुक एट इंडिया इज अ कंट्री जहां पे आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कवरीज हुई है, डिस्कवरीज हुई कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्कॉलर्स थे, बहुत ज्यादा ब्राइट ब्रेन्स थे। अब इन स्कॉलर्स, इन ब्राइट ब्रेन्स ने हमारे लैंड के अंदर ना काफी ज्यादा लैंग्वेजेस का यूमेस जनरेशन किया। सो एज अ कंट्री, हमारी कंट्री एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट वी हैव वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस विद डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड डिफरेंट टोन्स इन विच यू स्पीक द सेम लैंग्वेज। अगर गुजराती भाषा की मैं बात कर लूँ तो गुजराती, आज एक अहमदाबाद का पर्सन गुजराती अलग तरीके से बोलेगा, राजकोट का पर्सन गुजराती अलग तरीके से बोलेगा और सौराष्ट्र का इंसान अलग तरीके से गुजराती बोलेगा। सो देयर आर डिफरेंट एक्सेंट्स टू द सेम लैंग्वेज एज वेल। इफ यू लुक एट आवर कंट्री, वी हैव अ टोटल ऑफ 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस जिसके अंदर हम पार्लियामेंट में अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। Then apart from languages, there are different kinds of scripts and texts. Scripts and texts का meaning है अलग अलग type का literature जो हमारे country के scholars ने publish किया। Apart from that, आर्यभट्ट का zero and decimal system, mathematics ये हमारे देश से बना है। तो अगली बार when you complain about not knowing or not getting interested in maths, आप किसी और को blame नहीं कर सकते, ये हमारे country से ही आया है।
राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट द कैलेंडर, द एस्ट्रोलॉजी, जुअलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, युद्ध शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की काफी ज्यादा थियोरीज इन टर्म्स ऑफ हाउ रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, कहा किस तरीके से लोग अपना नेता चुनेंगे, किस तरीके से जुडिशरी फंक्शन करना चाहिए, किस तरीके से लेजिस्लेटिव सिस्टम बनेगा, किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को अपना एक लाइफ का अहम हिस्सा समझना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन सारी चीजों के अराउंड हमारे कंट्री का हेरिटेज, ये इन सारी चीजों को हम हमारे कंट्री का हेरिटेज समझते हैं. इट इज अ वेल्थ दैट वी विश टू रिटेन विद आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. अब तक जो हम लोगों ने बात की थी ना, वो इंडिया के अराउंड बात की थी. अब जो अभी अभी से आगे का जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. अब यहाँ पे लेट मी मेक अ फ्यू थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मेमोराइज करनी है. इस वजह से मैंने इसको सिर्फ एक सीक्वेंशियल मैनर में डिवाइड करके रखा है. आई वुड वॉन्ट टू प्लीज सिट विद अ पेन एंड पेपर. जहां जहां पे आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को पॉज कीजिए, वो चीजें नोट डाउन कर लीजिए या फिर एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एंड देन स्टार्ट व्यूइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन. आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे. मूविंग अहेड, अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट गुजरात, तो गुजरात में ना काफी ज्यादा साइट्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है. अब सिविलाइजेशन हैज टेकन टर्न ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. हम लोग काफी सालों में इंसान अपने अपने आप को डेवलप किया है और किस तरीके से वो जीता था उसमें चेंजेस आए हैं. अब इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो रूट्स हैं, वो रूट्स काफी ज्यादा साइट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोथल जो धोलका डिस्ट्रिक्ट में है, रंगपुर जो लिमडी में है, ढोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, एंड रोजाड़ी जिसको हम लोग श्रीनाथगढ़ भी बोलते हैं, विच इज इन राजकोट. नाउ ऑल ऑफ दीज फोर प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. और ये इंपॉर्टेंस किस तरीके का है? तीन तरीके के इसके इंपॉर्टेंस है. सबसे पहला कल्चरल इंपॉर्टेंस, सेकंड लेजेंडरी इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. अब कल्चरल इंपॉर्टेंस के बाजू में मैंने कुछ लिखा हुआ है विच सेज दैट इट एक्सप्रेसेस अ वे ऑफ लाइफ. अब कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, बट जब आप ये चार एंशियंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स देखते हो, जब आप वहां पे जाते हो, आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, दैट्स व्हेन यू विल एंड अप रियलाइजिंग दैट पीपल बैक देन वर वेरी पीसफुल. उनके जीने का तरीका बहुत पीसफुल था एंड एग्रीकल्चर तब भी एंड आज भी उनके इकोनॉमी, उनके वे ऑफ लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा था. इफ यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी लेजेंडरी, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए थे जो उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताते हैं. आज भी हम लोग काफी ज्यादा एंशियंट इन्वेंशंस को यूज करके, मॉडिफाई करके, हमारे काफी ज्यादा लाइफ में आसपास जो चीजें हम लोग देखते हैं, उन्हीं इन्वेंशंस का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है. And that's exactly why they have such a legendary importance. Moreover, अगर आज हम लोग archaeological importance की बात कर ले, तो उन जमाने का, उस जमाने का ancient civilization के architecture and town planning का जो perfect example है ना, वो आपको इन सब जगह पे और more so पूरा का पूरा जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलेगा. एंड दैट्स वेयर वी ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग इवन टूडे. मूविंग अहेड, इफ यू लुक एट पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मीनिंग ये है कि वो ऐसी जगहें हैं जहां पे आप जाके अपने धार्मिक नीड्स को फुलफिल करते हो. इंडिया जो कंट्री है एक बहुत सेक्युलर कंट्री है, जहां पे हम हर टाइप के रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं. एंड हर रिलीजन का एक कोई ना कोई एक ऐसा जगह होता है जहां पे उसका एक खास इंपॉर्टेंस होता है. अब यहाँ पे आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दिख रही होगी जहां पे मैंने जगहों का नाम लिखा है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उन लोकेशंस का नाम ब्रैकेट में लिखा है, एंड थोड़ा सा स्पेस देके मैंने बताया है कि वो किस रिलीजन को रिलेट करते हैं. नाउ इफ वी जस्ट लुक एट दिस लिस्ट इन अ ब्रीफ वे, आपको ये लिस्ट के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको बोला जा सकता है कि आप बताओ कि सपोज आज अंबाजी है, तो अंबाजी कहां पे लोकेटेड है? अंबाजी का टेम्पल बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में लोकेटेड है, राइट. सो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, अगेन दिस एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, दिस हैज गॉट मोर टू डू विथ हाउ यू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द प्लेसेज एंड वेयर दे आर लोकेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू शुड नो ओवर हियर इज द फैक्ट दैट हर एक जो मैंने यहाँ पे जगहों का नाम मेंशन किया है, उसको अगर आप डीपली पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे कि यहाँ पे हिंदू रिलीजन, पारसी रिलीजन, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड इवन जैन रिलीजन का काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको दिखता है. दिस शोज दैट एक ही स्टेट है हमारा गुजरात का, और इसी स्टेट के अंदर हमारे पास इतनी ज्यादा अलग अलग एरियाज या प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है. ये आपको बताएगा कि गुजरात ये जो स्टेट है, इस स्टेट में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितना ज्यादा सेक्युलरिज्म है. एंड इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस कि हमारे कंट्री, हमारे स्टेट के अंदर ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है.
इसके अलावा काफी ज्यादा जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स भी है हमारे कंट्री के अंदर। जिस तरीके से टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है वैसी तरीके से यहाँ पे केव्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, उन केव्स के अंदर के स्क्रिप्चर्स भी इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वडनगर, तरंगा, खंबालिया, शामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, धंक, झगड़िया, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे, जहाँ के इंस्क्रिप्शंस का हमारे हेरिटेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुजरात के अंदर अगर हम देखें जाए तो काफी ज्यादा सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस भी हैं, जो भी हमारे हेरिटेज का इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हमारे जैसे जनरेशन अगर किसी को चिल करना है तो जाएगा किधर, इन्हीं जगहों पे तो जाएगा। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पे नहीं गए हो ना, तो आपको पता है कि आपको लॉकडाउन खुलने के बाद अपने पेरेंट्स को कहां ले जाने के लिए कहना है, राइट? सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट एरियाज वेयर टूरिज्म हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो द फर्स्ट प्लेस इज पोलो फॉरेस्ट, जो अहमदाबाद के काफी पास है, हिम्मत नगर में ही है, इट्स बेयरली 1.5 ड्राइव। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत शांति है, जरूर जाना चाहिए। उसके अलावा विजयनगर, विच इज इन साबरकांठा, काइट फेस्टिवल जो अपने रिवर फ्रंट पे होता है, काकरिया कार्निवल जो अहमदाबाद के काकरिया लेक में होता है। काकरिया लेक पहले बहुत फेमस था, बट जब से रिवर फ्रंट आया तब से सारी एक्टिविटीज रिवर फ्रंट पे होने लगी, बट आज भी काकरिया में फॉर ओल्ड वर्ल्ड जाम है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, ताना रेवी फेस्टिवल इन वडनगर एंड रणोत्सव इन कच्छ आर ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस जहां पे सोशल एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज होती है और बहुत जगहों से लोग आते हैं इन जगहों को विजिट करने के लिए, राइट? लास्टली जब हम लोग हमारे हेरिटेज की बात करें तो गुजरात के अंदर ना काफी ज्यादा फेयर्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये हर एक फेयर का अपना अपना एक टाइम होता है, जो वो जिस टाइम में वो फेयर लगाया जाता है। अब बिकॉज ये फेयर्स का एक रीजनल इंपॉर्टेंस है, इस वजह से जो टाइम जोन आपको दिखेगा वो टाइम जोन गुजराती कैलेंडर के हिसाब से होगा, राइट? सो यहां पे मैंने वापस से वही चीज आपके सामने रखी नहीं है। देयर आर अबाउट 15 इंपॉर्टेंट फेयर्स जहां पे फेयर्स उनका लोकेशन और उनकी तिथि, तिथि का मीनिंग है टाइम ऑफ अकरेंस एज पर द ट्रेडिशनल कैलेंडर दिया गया है। आई वॉन्टेड टू रेफर टू इट, एज आई सेड अगेन देयर इजंट एनीथिंग मेजर फॉर मी टू एक्सप्लेन। इसमें से काफी ज्यादा फेयर्स है जिनका रेफरेंस हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, तो जहां जहां पे उसका रेफरेंस आएगा वहां वहां पे वी विल गिव यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट दैट फेयर इज एंड उसका सिग्निफिकेंस किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है। जो प्रिमिटिव मैन है, केव मैन, जहां से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, इट इज सेड टू बी दैट हिस्टोरियंस बिलीव कि इंडिया एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका ये दो ऐसी जगहें हैं जहां से केव मैन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। दैट इज द दीज आर द रीजंस जहां से इवोल्यूशन ऑफ मैन ने एक्चुअली चेंज ऑफ फेजेस देखा। तो जैसे हम लोग सेपियन, होमो सेपियन की बात करते हैं, वो जो इवोल्यूशन ऑफ केव मैन हो चुका है वो केव मैन का इवोल्यूशन हुआ है इन दीज टू स्पेसिफिक सबकॉन्टिनेंट्स, राइट? अब जब हम लोग बात करते हैं खासतौर पे इंडिया की और इंडिया क्यों हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ आर हेरिटेज एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉस्परस कंट्री। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया को हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स केम टू आवर कंट्री एंड केम एंड एक्सपीरियंस नॉट जस्ट आवर ट्रेड, दे डिड नॉट कम एंड इंटरेक्ट विद अस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। उन्होंने यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया, यहाँ का कल्चर उन लोगों ने समझा एंड वो चीज से वो लोग काफी इम्प्रेस हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया हैज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर अ लॉट ऑफ फॉरेन ट्राइब्स। यहाँ की वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ कल्चर, एक्सेप्टिंग लोग, इन सब चीजों के वजह से लोगों ने चाहा कि हम इस कंट्री में आके बसना चाहेंगे, वी विल वांट टू कम एंड सेटल डाउन हियर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज केम एंड रिसाइडेड इन आवर कंट्री, क्रिएटिंग अ कल्चरल कॉकटेल, राइट? ये आपको लिखना नहीं है बट ये आपके रेफरेंस के लिए। जैसे कॉकटेल जब हम बनाते हैं तो मल्टीपल चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, उसी तरीके से इंडिया इस कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से काफी लोग आए, अपनी संस्कृति वो अपने साथ लेके आए और यहाँ के जो नॉर्मल कल्चर था उसके साथ उन्होंने एडजस्ट किया, अडेप्ट किया, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग एक शेयर्ड कल्चर एक्सपीरियंस करने लगे, राइट? इन चीजों के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा था। इफ यू लुक फॉरवर्ड,
हम लोगों को देखना है कि जो एंशंट इंडियंस हैं, हम ड्रेविडियंस को एंशंट इंडियंस के नाम से जानते हैं. सो दीज आर बेसिकली आर कोर नेटिव इंडियंस. बट उसके अलावा भी वी हैव गॉट अदर ट्राइब्स, जैसे कि आर्यंस, नेग्रिटॉइड जिन्हें हम हब्सी पीपल भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉयड जिसे निषद भी कहा जाता है, एंड मंगोलॉयड जिसे किरट भी कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर थ्री अदर ट्राइब्स विच इज एल्पाइन, दिनरिक एंड आर्मेनॉइड. बट इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको हम लोग एक ही कैटेगरी में क्लब करके रखा हुआ है. राइट, अब हम इन सारी की सारी ट्राइब्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. सो आवर प्राइमरी डिस्कशन इज गोइंग टू बिगिन विद निग्रीटॉइड्स, या जिनको हब्सी पीपल बोलते हैं. नाउ दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका कोर ओरिजिन अफ्रीका से है, बट वर्ल्ड ट्रेवल करते करते फ्रॉम अफ्रीका दे वेंट टू बलूचिस्तान, एंड बलूचिस्तान से वो इंडिया के तरफ आए. राइट, इनके अफ्रीकन ओरिजिन के होने के वजह से उनके कुछ फिजिकल फीचर्स में आपको अफ्रीका की सिमिलैरिटीज दिखेंगी, जैसे कि उनका ब्लैक कलर का स्किन कॉम्प्लेक्शन है, दे हैव कर्ली हेयर, एंड देयर हाइट इज ऑल्सो नॉट मच. उनकी हाइट भी 4 से 5 फीट के बीच में ही होती है. नाउ काफी ज्यादा हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं, दिस इज नॉट प्रूव, बट अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट दीज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं है कि ड्रेविडियंस ही इंडियंस है, बट ये लोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राचीन ट्राइब है जो इंडिया में पाई गई थी. ऑलराइट, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो अबाउट नेग्रिटॉइड्स और हब्सी पीपल. नाउ हब्सी इज अ लोकल नेम गिवन बाय अस, बट नेग्रिटॉइड्स इज द ग्लोबली रिनाउंड कैटेगरी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइब ऑफ पीपल. आई होप ये चीज समझ आ रही है आपको. मूविंग अहेड, वी आर गोना डिस्कस अबाउट एस्ट्रोलॉयड, जिसे हम निषद पीपल भी कहते हैं. नाउ दीज पीपल, जैसे हम लोगों ने हब्सी में देखा था कि वो लोग अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उसी तरीके से जो निषद कैटेगरी में जो लोग आते हैं, निषद ट्राइब के जो लोग हैं, दीज पीपल हैव एन ओरिजिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. अब इनके हमें कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देख लेना है. जैसे हब्सी पीपल का भी एक फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने देखा था, तो हर ट्राइब में यू आर सपोज टू रिमेम्बर कि वो लोग आए कहाँ से, उनके फीचर्स क्या है, और कहीं ना कहीं उनके जीने का तरीका क्या था, वॉट वॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर. ठीक है, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी पॉइंट बीइंग कि उन लोगों का ओरिजिन कहां से. सो फॉर एस्ट्रोलॉयड और निषद पीपल, देयर ओरिजिन वाज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. दीज पीपल हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ ब्लैक स्किन, दे हैव अ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, एंड हैव अ वेरी शॉर्ट हाइट. राइट, कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी टू अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. उन लोगों का भी सिमिलर होता है. राइट, बट नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक स्किन इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फाइंड. जब आप थोड़ा सा यू मे से यू कम टूवर्ड्स द साउथ, यू सी ब्लैक स्किन, बट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन काफी ज्यादा इंडियन ट्राइब्स हैं जो इन्हीं के तरह दिखती हैं, इन्हीं के तरह जीती हैं. दे शेयर अ कॉमन कल्चर. वो कौन से ट्राइब्स आपको इस फोटो के नीचे दिखेगा. सो वी हैव द कोल, द मुंडा एंड द खासी ट्राइब्स, द ट्राइब ऑफ निकोबार एंड द ट्राइब ऑफ म्यांमार. म्यांमार ऑफकोर्स इंडिया में नहीं है, बट फिर भी ये सारे जो एरियाज हैं, कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि सब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा लोकल ट्राइब्स इनका कल्चर शेयर करते हैं. अभी जो एस्ट्रोलॉयड जो लोग हैं ना, दीज पीपल हैड अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ देयर ओन. वो लोग काफी स्किलफुल प्रजाति थे. नाउ व्हेन वी से दैट दे वर स्किलफुल, दे वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो उन लोगों का वीविंग, थ्रेडिंग, टेक्सटाइल का अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें काफी अच्छी थी. मोर ओवर वो लोग क्ले के यूटेंसिल्स भी बनाया करते थे. सो पॉटरी, क्ले यूटेंसिल्स, इन सब चीजों में भी उनका स्किल काफी अच्छा था. मोर सो दीज पीपल वर सेट टू बी वेरी रिलीजियस. रिलीजियस मतलब बहुत धार्मिक लोग थे ये लोग. इन लोगों का भगवान में, यू मे से गॉड गॉडेसेस और रिचुअल्स में, रिलीजियस रिचुअल्स में, पिलग्रिमेज में, इन सारे कॉन्सेप्ट में इन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था. नाउ एस्ट्रोलॉयड्स को जो निषद जो नाम दिया है ना, ये नाम दिया गया है बाय द आर्यंस, एंड दैट इज वॉट यू सपोज टू रिमेंबर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक. तो आपको कोई फिल इन द ब्लैंक में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रोलॉयड लोग हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के ओरिजिन वाले ट्राइब है जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, उनको निषद नाम किसने दिया, तो ये आर्यंस आपको याद रखना पड़ेगा. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब, जिनको हम लोग एंशियंट इंडियंस के नाम से भी जानते हैं. सो ड्रेविडियंस पीपल नॉर्मली कंसिडर देम टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया, जो केव मैन के डिसेंडेंट्स है, स्टोन एज से वो यहां पे पाए जाते हैं. एंड दे हैव ऑल्सो बीन द क्रिएटर्स ऑफ द मोहनजोदारो कल्चर. राइट, ये लोगों को कहा जाता है दैट दीस पीपल हैड कम फ्रॉम नॉर्थ एंड दे वर एबल टू सर्वाइव एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रिचनेस. रिचनेस इन व्हाट सेंस? देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर.
कल्चर एंड लैंग्वेज के बदौलत देवर एबल टू सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, एंड उसी के वजह से हमारा जो कंट्री का फाउंडेशन है ऑफ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज वो इन लोगों ने सेटअप किया है. अब ये जो ड्रेविडियंस लोग होते हैं ना, दे हैव अ मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली. मेट्रियार्कल सिस्टम का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो एक फीमेल होती है. सो रादर देन अ पेट्रियार्कल सिस्टम जहां पे मैन इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, ऑन द कॉन्ट्ररी इन अ ड्रेविडियन फैमिली इट इज द वुमन ऑफ द हाउस हु टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, राइट. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेट्रियार्कल सोसाइटी दे वर ऑल्सो वेरी रिलीजियस, एंड उनके रिलीजियस होने के वजह से हमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पता चले. जैसे वो पार्वती को मदर मानते हैं, एंड ऑफ कोर्स पार्वती जी इज अ गॉडेस, वाइफ ऑफ शिवा, राइट. तो मदर एंड फादर बीइंग ट्रीटेड एट द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये कॉन्सेप्ट हमें ड्रेविडियंस ने दिया, राइट. वो शिव भगवान को अपने पिता समान मानते थे और शिव भगवान खुद एक भगवान है, राइट. सो एज अ रिजल्ट शिव भगवान बीइंग कंपेयर्ड टू गॉड हु इज अ सिंबल ऑफ अ फादर, पार्वती जी a goddess compared to as a symbol of mother, right. Uske alawa when we talk about being a religious society, they did not only worship god and goddesses but they were also lovers and worshippers of nature and animals, right. In terms of nature, wo pahadon ke jaise hum log mount kailash, kailash parbat ko bahut zyada pious mante hain. Kyun mante hain? Kyunki uska religious importance hai. Dravidians bhi usi tarike se mountain peaks, rivers, in sab ko ek specific religious importance dete the, unki pooja karte the, right. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम पूजा और आरती की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम लोग धूप, दीप और आरती की भी चर्चा करते हैं. सो व्हेनेवर यू रेवर गॉड, जब आप भगवान की श्रद्धा करते हैं तो उसमें धूप, दीप और आरती करना जरूरी है. हम आज की तारीख में भी जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी आरती के थाली में भी यही सारी चीजें होती है, राइट. सो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर. ड्रेविडियंस में सिर्फ इतना नहीं है, दिस इज अ शॉर्ट नोट. तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं, विच इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेविडियंस, ड्रेविडियंस वर लवर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज. नाउ व्हेन आई से आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, इसका मीनिंग ये है कि वो लोग भी काफी ज्यादा स्किलफुल थे. इससे पहले हमने स्किलफुल कहाँ पे देखा? एस्ट्रोलॉज लोगों में देखा था हम लोगों ने, ठीक है, निषद लोगों में देखा था. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेविडियंस एंड देयर एसोसिएशन विद आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, these people had a very good natural skill of weaving, spinning, dyeing. weaving, spinning and dyeing is all related to textile again. तो आप ये textile के around आप देख सकते हो कि ये तीनों skills एक साथ जाती हैं. And apart from that, boat and raft building, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज के तारीख में भी most of the native Dravidians live in south of India, which is definitely a peninsular area, तो coastal range उनके पास काफी ज्यादा रहते हैं. And these people are also, the natives were also dependent on fisheries. वो fishing करने जाते थे, तो by default उनको boat और raft बनाना काफी अच्छे से आता था, राइट. सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड कि उनके पास कौन से स्किल्स थी, किस तरीके से आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, जितने भी हमारे साउथ ऑफ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसके बेसिस पे कॉन्वर्सेशन होते हैं, वो सारे ही लैंग्वेज ड्रेविडियंस लेके आए थे, राइट. सो द तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ऑल अदर डायलेक्ट्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस इन साउथ ऑफ इंडिया वर एसोसिएटेड विद देयर कल्चर, राइट. अब ड्रेविडियंस जो है ये नेटिव्स हैं, बट उसके अलावा आर्यन ये जो ट्राइब है, आर्यन ये जो रेस है, ये लोगों का भी ड्रेविडियंस के साथ एक खास इंटरेक्शन हुआ, राइट. नाउ इंटरेक्शन जब होता है दो कल्चर्स के बीच में, जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनका एक दूसरे पे कुछ इन्फ्लुएंस होता है. नाउ बैक इन द डे काफी ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, एंड जब इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो दो फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अपना कल्चर, अपना रिलीजन शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस के बारे में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं वो अपना कल्चर. तो सेम वे आर्यन कल्चर जो था ना, वो कहीं ना कहीं ड्रेविडियंस ने इंटरनलाइज कर लिया था. इंटरनलाइज करना मतलब क्या? उनके अच्छे गुणों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट. तो आर्यन एक अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ आता था. आर्यन ट्राइब का अपना खुद का एक रिलीजन था, खुद का एक कल्चर था, बट वो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी थी उनके कल्चर में. इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने उन चेंजेस को अपने कल्चर के अंदर इंटरनलाइज कर दिया. इस वजह से जब आप आर्यंस एंड ड्रेविडियंस को पढ़ोगे, आपको काफी सिमिलर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रेविडियन डाइटीज वर एक्सेप्ट बाय आर्यंस एंड री एस्टैब्लिश्ड एज गॉड ऑफ कल्चर. अब जिस तरीके से आर्यन कल्चर को ड्रेविडियंस ने अपनाया था, उसी तरीके से ड्रेविडियन भगवानों को आर्यन लोगों ने अपनाया था.
सो द आर्यंस ऑल्सो टुक बैक समथिंग फ्रॉम दिस इंटरेक्शन. वॉट डिड द टेक बैक? द एक्सेप्टेड द डाइटीज, भगवान की मूर्तियां, भगवान का रूप जो स्वरूप है वो उन्होंने अपने कल्चर में अपनाया एंड उनको री एस्टैब्लिश किया एज गॉड ऑफ कल्चर. आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है. बट कहीं ना कहीं वन वी टॉक अबाउट आर्यंस नो, दे वर वेरी डोमिनेटिंग पीपल एंड किसी भी डोमिनेटिंग इंसान के साथ आप एक हद से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आप अपने आप पीछे हो जाते हो. यही चीज ड्रेविडियंस ने भी एक्सपीरियंस किया. ड्रेविडियंस वर पीस लविंग, वेरी फाइन एंड पीस लविंग पीपल. उन्होंने सोचा कि आर्यंस के साथ लड़ने झगड़ने से अच्छा है हम लोग इस जगह को खाली कर देते हैं. एंड एज अ रिजल्ट फ्रॉम नॉर्थ दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग साउथवर्ड्स. इस वजह से साउथ ऑफ इंडिया में आज ज्यादातर ड्रेविडियंस मिलेंगे आपको, और नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप जाओगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ, वहां पे आप लोगों को आर्यन रेस का ओरिजिन मिलेगा. आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं. ड्रेविडियंस एज अ रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू कैन बी आस्क दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एज अ डिटेल्ड आंसर फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन. ऑलराइट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. Now we come to Mongoloids. When we talk about Mongoloids, these people have their origin in north of China. Now, north of China se wo India kaise aaye, uska transition hume dekhna hai. So from China, they came to Tibet and from Tibet, they entered India. But jab India ki bhi baat kar rahe, again, these are restricted towards the northeastern states. So India ke kaun se states hain? Assam, Sikkim and West Bengal. In states mein hi in tribe ka, in race ka, is culture ka existence aaj bhi paya jata hai. राइट, अब इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड अ येलो कॉम्प्लेक्शन. नाउ येलो कॉम्प्लेक्शन का मीनिंग है वो गोरे नहीं थे बट उनकी स्किन की चमड़ी काफी पेल थी बिकॉज दे कमिंग फ्रॉम एन एरिया विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड. राइट, एंड एज अ रिजल्ट दे हैव अ येलो कॉम्प्लेक्शन. इस येलो कॉम्प्लेक्शन के वजह से लोकली लोग इन्हें किराट नाम से भी बुलाते थे. राइट, सो ये जो किराट नाम है, AKA का मीनिंग होता है ऑल्सो नोन एज. Right? When I say that they are also known as Kirat, it means that as a result of their complexion, हम लोगों ने उनको एक अलग local नाम दिया था. Apart from that, they have a very flat face, जैसे सारे ज्यादातर Chinese लोगों का होता है. They have chubby cheeks and have almond-shaped eyes. ठीक है, ये सारे complexion, facial features, eyes, इन सब चीजों के basis पे आपको कहीं ना कहीं you may say match the following या fill in the blanks type के objective questions आ सकते हैं. So all of these points are important for you to memorize. Okay? आगे हम लोग बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ एल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड. अब ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों का ओरिजिन सेंट्रल एशिया में है एंड ये तीनों ट्राइब्स अपने अंदर अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं. इनके जो ओरिजिनल जीन्स है, जहां से इनका उत्पादन हुआ, एज इन द एरियाज फ्रॉम वेयर दीज पीपल स्टार्टेड टू इवॉल्व, दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड दीज ट्राइब्स, इनके जो ओरिजिनल जीन्स हैं वो अगर इंडिया में हम लोग देखने जाए तो इंडिया में कौन से जगह पे लोग बटे हुए हैं. सो इसको जो स्टेट्स आपको दिए हुए ना, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू टू एक्सट्रीम पार्ट्स, तो आपको याद करने में आसानी होगा. सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ आर कंट्री, तो एक्सट्रीम वेस्ट में गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, ये तीन जगहों पे. सौराष्ट्र ऑफकोर्स अभी एज पर द पॉलिटिकल सेटलमेंट सौराष्ट्र गुजरात का ही पार्ट है, बट फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशियंट टाइम्स, आज गुजरात के अंदर भी सौराष्ट्र की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है. राइट, सो गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र तीन वेस्टर्न एरियाज थे जहां पे ये तीन टाइप के ट्राइब्स के ओरिजिनल जीन्स पाए जाते थे. एट द सेम टाइम अगर हम लोग एक्सट्रीम ईस्ट की बात कर लें, सो वेस्ट बंगाल एंड ओरिसा, ये दो जगह है जहां पे आपको इन ट्राइब्स की सिमिलैरिटीज देखने मिलती थी. आई होप ये सारे ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझ में आ रही है. राइट, नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट. जैसे ड्रेविडियंस एक इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे लिए दूसरा जो एक ट्राइब इंपॉर्टेंट है वो कौन है? आर्यन ट्राइब. राइट, दिस अगेन काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, दो स्लाइड में इसका डिस्कशन चलेगा. आपको सारी बातें समझ लेनी है, सारी बातें याद रखनी है. राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस, ऑफकोर्स दीज पीपल आर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ आर कंट्री, ऊपर की तरफ, क्योंकि साउथ में तो कौन है? ड्रेविडियंस है. तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आर्यंस है एंड दे वर ऑफकोर्स द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. नो टू थॉट्स अबाउट इट, खुद का नाम ही अपने सिविलाइजेशन के आगे वो लोग लगाएंगे. राइट, अब हिंदूज जो है ना, एंशियंटली जो ज्यादातर लोग हिंदू होते थे उन्हें हम लोग आर्यंस के नाम से जाना जाते थे. राइट, हिंदूज वर एंशियंटली नोन एज आर्यंस एंड बिकॉज इंडिया हैज अ हिंदू मेजॉरिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया का नाम भी क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा. यह हमने इंट्रोडक्शन सेशन में भी देखा था.
राइट। नाउ आर्यव्रत जो है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जाना चाहते थे, उसका एक्सटेंट क्या है वो हमें देख लेना है। सो इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट वैदिक पीरियड, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड आर्यव्रत या इंडिया का जो डेफिनेशन है, जहां पे आर्यंस का राज चलता था, दैट एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम मिथिला इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ। ठीक है, वापस क्या, मिथिला विच इज इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ, एंड ये जो एरिया था इट इज ड्रेन्ड बाय 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स, एंड एज इट इज अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इस रीजन को हम लोग सिर्फ आर्यव्रत नाम से नहीं जानते थे, इसको हम लोग सप्त सिंधु नाम से भी जाना करते थे। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट ट्राइब है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, नाउ इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ट्राइब्स, दीज पीपल वर कंसिडर्ड टू बी मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर प्रॉस्परस। इन लोगों की बुद्धि, इन लोगों की जो कैपेबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा स्किलफुल थे, राइट। अब ये आर्यन ट्राइब का जो किंग था, किंग भरत, इस वजह से उनकी जो ट्राइब है उनका नाम पड़ा भरत कुल, राइट। एंड बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा रहा, इस वजह से इंडिया को हम लोग भारत भूमि, भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्ष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो आर्यंस के जो किंग थे, किंग भरत, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के कल्चर में बहुत ज्यादा रहा है, राइट। एंड दीज नेम्स हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड सिंस दैट एंशियंट टाइम इन पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, इफ यू लुक अहेड, आर्यंस वर नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स। नाउ व्हेन आई से नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स, इसका मीनिंग ये है कि जिस तरीके से हमने ड्रेविडियंस में भी देखा था, वो लोग भी नदियों के, माउंटेन पीक्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें पूजते थे। सेम तरीके से जब हम लोग आर्यंस की बात करते हैं, तो वो लोग भी ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, विंड, सन, रेन, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लोग रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन में हमारे प्रैक्टिसेस भी आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग श्लोकाज या प्रेयर्स आज गाते हैं, आरती गाते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिम्स बोलते हैं, जिनका हम लोग रिचाज नाम से भी जानते हैं। रिचा इज बेसिकली संस्कृत वर्ड फॉर हिम्स, प्रेयर्स, राइट। तो उन लोगों ने काफी ज्यादा हिम्स बनाए थे, काफी ज्यादा प्रेयर्स, श्लोक्स बनाए थे अराउंड द वर्शिप ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब बिकॉज ये लोग इतने ज्यादा भगवान के भक्त थे, इतने ज्यादा रिलीजियस थे, एज ए रिजल्ट उनके काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, यज्ञ परफॉर्म करना, राइट, और काफी ज्यादा और रिलीजियस एक्टिविटीज जो आज हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। होम डू वी ओव द रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द आर्यंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन इन टू आर कल्चर ऑफ इंडिया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब ये जब चीजें हमने सारे ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सो वी हैव टू रियलाइज दैट इंडिया में एक कॉम्पोजिट कल्चर है। कॉम्पोजिट का मीनिंग क्या, मल्टीपल कल्चर्स का एक अमेलगमेशन, कमिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल कल्चर्स। एंड ये जो मिक्सचर है, जो कल्चरल कॉकटेल, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये कल्चरल कॉकटेल हमारे इंडिया को एक बहुत खास जगह देता है, बहुत प्रॉस्परस बना देता है, राइट। क्योंकि ये रिचनेस आपको बहुत जगह पे देखने नहीं मिलती। इंडिया में डाइवर्सिटी के वजह से, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, माउंटेन्स की वजह से, काफी ज्यादा अलग अलग जगहों से हमारे कंट्री में लोग आए, उन्होंने अपना कुछ छाप छोड़ा इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द बिलीव्स, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर ओवरऑल वे ऑफ लिविंग, राइट। और इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर एक कॉम्पोजिट कल्चर बिल्डअप हुआ। अब इसके, ये कॉम्पोजिट कल्चर लाने के पीछे इंटरकास्ट मैरिजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बनी। रीजन बीइंग कि आज अगर दो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही ट्राइब के अंदर वापस शादी करो। आज है, ट्रेडिशनल कल्चर ऐसा विश्वास रखता है, बट उस वक्त भी, उस जमाने के जो लव मैरिजेस हुआ करते थे, उस जमाने के लव मैरिजेस के वजह से आज हमें कॉम्पोजिट कल्चर देखने को मिलता है, राइट। एंड जितने भी फॉरेन ट्राइब्स आए हमारे साथ, इंटरेक्शन उन लोगों का हुआ, एज ए रिजल्ट कहीं ना कहीं वो इंडियनाइज होते गए। एंड इंडियनाइज का मीनिंग यह है कि हमारी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीजों का उन ट्राइब्स के ऊपर, उन फॉरेन ट्राइब्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आया। जैसे आपने देखा था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उन्हें ड्रेविडियंस बोला गया था, बट जब आर्यंस आए तो उन्होंने हमसे रिलीजियस डाइटीज, गॉड ऑफ कल्चर इनहेरिट किया, अपनाया उसको। वही चीज यहाँ पे भी बोला गया कि जितने भी फॉरेन ट्राइब्स हमारे कंट्री में आए, उनको कहीं ना कहीं हमने अपने तरीके से इंडियनाइज भी किया। अब जब हम देखते हैं कि इंडिया में इतना ज्यादा शेयर्ड कल्चर है, इतना ज्यादा कॉम्पोजिट चीज है, ये हमारे लिए एक प्राइड की बात है। वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुड बी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है।
अब इंडिया के जो हमने इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी ना, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कल्चर इंसानों का होता है और इंसानों की ही जिम्मेदारी होती है कि इस कल्चर के बारे में हम अपने आने वाले जनरेशन को भी कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। तो उस चीज को करने के लिए हमें काफी ज्यादा चीजों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट। अब इंडियन हेरिटेज हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव। हमारे इस अट्रैक्टिव नेचर के वजह से ही काफी ज्यादा फॉरेन ट्राइब्स हमारे देश में आए। वो काफी आई कैची है, काफी पिक्चरस्क्यू है। पिक्चरस्क्यू का मीनिंग क्या? अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला, राइट। तो जो अब जब हम लोग हमारे नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर रिवर्स, आर माउंटेन्स, आर वाइल्ड लाइफ, वो काफी पिक्चरस्क है, राइट। लॉट ऑफ पीपल कम इन टू आर कंट्री टू एक्सपीरियंस दैट डाइवर्सिटी, राइट। अब ये जो हेरिटेज है, हेरिटेज हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा ग्लोरी लेके आता है। ग्लोरी का मीनिंग क्या? रेप्यूटेशन एंड रिस्पेक्ट। इंटरनेशनली इंडिया को हम लोग बहुत ज्यादा एक रिच कल्चरली एंड हेरिटेज से भरी हुई कंट्री के नाम से जानते हैं, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि हम लोग वो हेरिटेज अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर पाए हैं और आगे भी करेंगे। बट वो चीज करने के लिए आज हमें इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इसको प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आने वाले जनरेशन हमारे इस रिचनेस का फायदा कभी भी उठा नहीं पाएंगे, राइट। अब इंडिया का जो हेरिटेज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुए, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए, इकोनॉमिक चीजें चेंज हुई, वी चेंज्ड आर वेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक चेंज, आप ये सोचोगे कि यार इकोनॉमिक चेंज का इस इंडियन हेरिटेज से क्या लेना देना। आप खुद सोचो कि पहले हम लोग फार्मिंग करते थे, फार्मिंग से हम लोग इंडस्ट्रीज पे आए, तो जब इंडस्ट्रीज पे आए तो हम लोगों ने कितने ज्यादा फॉरेस्ट को तबाह कर दिया, कितने ज्यादा माउंटेन्स को अपने नीड्स के लिए मॉडिफाई कर दिया। आज जो हिल स्टेशन है वहां पे अपना खुद का एक इकोसिस्टम था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो जगह बना दी। हर जगह हिल स्टेशन पे जाके हमने रिसॉर्ट्स बना दिए। क्या इस इकोनॉमिक फील्ड के वजह से हमारे इंडियन हेरिटेज पे फर्क नहीं पड़ा है? डेफिनेटली पड़ा है, राइट। हमारी एक जिम्मेदारी है एज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी एंजॉय दिस रेप्यूटेशन। आज जब इंडिया के बाहर आप जाते हो, आपको लोग पहचानते हैं एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कंट्री जिसका हेरिटेज रिच है। तो जब आपको उसका ग्लोरी मिल रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस हेरिटेज को संभालो? इस वजह से ना हमारी एक जिम्मेदारी, इट्स अ मॉरल ड्यूटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन, दैट हमें हमारे जो मेमोरियल्स है, हमारे जो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत कंजर्व करके रखना है। बट हम क्या करते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि पान के थूके हुए स्टेन्स हैं, बंटी लव्स बबली लिखा हुआ है। ये सब चीजें क्या हमें सूट करती हैं? डेफिनेटली नॉट। अब कुछ चीजें लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोग वो चीजें नहीं करेंगे। बट अगर ये चीज हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोग ना करें, तो इसे हमें कंपलसरी रूल बनाना पड़ेगा। हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन में डाल के एक फंडामेंटल ड्यूटी बनानी पड़ेगी, राइट। तो वही चीज हमारे कंट्री ने भी किया। व्हाट डिड दे डू? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे क्रिएटेड अ फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A, जहां पे तीन प्रोविजन है, प्रोविजन 6, 7 एंड 9, 8 नहीं है, ध्यान रखना, 6, 7 एंड 9। अब ये हर एक प्रोविजन जो है उसके अपने अपने अंदर एक पॉइंट है जो इस कल्चर के प्रिजर्वेशन के अराउंड जुड़ा हुआ है। अंडर द प्रोविजन 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड रियलाइज दैट इट इज एवरी सिटीजन्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कल्चर एंड टू प्रिजर्व इट। प्रोविजन 7 हमें ये बताता है दैट हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है, जो हमारा कल्चर, हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है, उसके तरफ भी हमें थोड़ा सेंसिटिव बनना है। उधर जो नेचुरल लिविंग क्रीचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, उसके तरफ हमें कंपैशन दिखाना है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन 9 इट सेज दैट जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है, किसी भी तरीके के पब्लिक वायलेंस में, पब्लिक आउटरेज में उसको जाके हार्म नहीं करना है। बहुत बार हमने देखा है कि जब रायट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो बहुत सारी चीजों का नाश विनाश कर दिया जाता है। बट ये हेरिटेज जो पहले से चलती आ रही है, हमारे कंट्री का एक वेल्थ है, इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस चीज को हम लोग प्रिजर्व करें, मेंटेन रखें, ताकि इस हेरिटेज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।